कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी बहू और बेटी से ये बात भी करना हो। बेटी से हर बात की जा सकती है, बताइए। माही, उम्र के साथ इस वक्त सिर्फ दो लोग खड़े हैं, एक तुम और एक मैं। मैं शायद इसलिए उसका साथ दे रहा हूं कि जो कुछ वो कह रहा है, जो कुछ वो कर रहा है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। और इसलिए भी कि मुझे डर है कहीं वो बागी ना हो जाए। लेकिन तुम उसका साथ किस लिए दे रही हो ये मैं नहीं जानता। लेकिन बेटी, उसका साथ देने में हिचकिचाहट महसूस हो रही है मुझे। मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहता। मैं बताइए दाया बू, आप क्या चाहते हैं, क्या फैसला है आपका? दिल, दिल तो यही कहता है कि हर फैसले में तुम्हारे साथ जाती है। उम्र के साथ रहना भी और ना रहना भी। सो मैं फैसले का इख्तियार तो मैं देता हूँ। आप क्या चाहते हैं दाया बू? आपकी ख्वाहिश बेटी का फैसला बहुत आसानी से बन जाती है। बेटी, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमारे पास रहो। बहू बंद करना सही, बेटी भी बंद कर। इसे मेरी खुदगर्जी मत समझना कि बुढ़ापे में बड़ा आसरा चाहिए। मैं ज़किया को एक और धचका नहीं देना चाहता भाई। तो आप फिर उम्र का फैसला करेंगे? मतलब मेरा यहाँ रहना शर्त है आपकी? बेटे के सामने शर्तें रखने की पोजीशन में नहीं। बेटी पर मान है, बेटी से बात कर सकता हूँ, इसलिए उसके सामने शर्त नहीं, दरखास्त रख रहा हूँ। दयाबू, हुकुम, हुकुम। मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता बेटी। मैं, देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी जाया होगी तो तुम्हें हक है इसके बारे में बोलने का। लेकिन जल्दी में कोई भी फैसला ना करना। देखिए, आप पहले ही दायाबू, मैं यहीं रहूंगी, मैं इधर आपके पास रहूंगी जब तक आप चाहें। आप लाए थे मुझे यहाँ, जब आपको मुनासिब लगे तो मुझे छोड़िएगा। बस उम्र से इस बात का जिक्र मत कीजिए। अब आपको आपको मेरी तरफ से इत्मीनान हो गया तो उमर को भी इत्मीनान दिला दे। जीती रहो, आबाद रहो।